जब तक गवर्नमेंट हमें कहीं मुतबादिल नहीं देती हम जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। हम 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी तो जमीन खिंच गई नीचे से, पाओगे नीचे से। जो दुकानें जब खत्म हो जाएंगी तो जमा जमाया कारोबार है, सब खत्म हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेट तो हमें कोई देना चाहिए ना। हालांकि हमने तो ये परचेज किए, केएमसी ने हमें पूरे पेपर दिए हुए हैं, दुकानें हमने खरीदी हैं, बैंक के चालान भी हैं। मार्केट टूटने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है, उनका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये कहाँ जाएंगी 8-10 हज़ार अफराद मुलाजमीन, इनका क्या होगा? गवर्नमेंट सोचे अगर कोई जगह दे देती है तो फिर तो कोई मसला बन सकता है। तजावजात भी तो है, ये तजावजात तो है, लेकिन इसके या तो फिर नियम बदल दिया जाए। हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है दुकानदारों को, बेचारे बहुत सारे दुकानदार दुकानें खाली करके चले गए। ये काम इंतजामिया का है कि वो ब्लॉकेज खत्म करवा के नाले को चलाएं, 500 रुपए का चंदा जमा करके अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेट इसका दे दिया जाए फिर मुतमईन हो जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, जरूर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। आज हम मौजूद हैं न्यू कराची में और मेरे अकब में ताहद निगाह कमर्शियल इलाका है। इस इलाके का रकबा तकरीबन 3 किलोमीटर और यहां पर 1100 के करीब दुकानें तामीर की गई हैं। ये सिर्फ दुकानें नहीं हैं बल्कि दुकानों के ऊपर आप घर तामीर भी देख सकते हैं। अब मसला ये है कि ये वो दुकानें हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा आ गया है गिराने का, क्योंकि ये तजावुजात हैं। वैसे तो पाकिस्तान भर में तजावुजात भरी पड़ी हैं, लेकिन इनके खिलाफ चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा आ गया है, तो आज हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन दुकानदारों का और मार्केट के लोगों का क्या रद्दअमल है, क्या इनसे हुक्कामे वाला ने, इंतज़ामिया ने रबता किया है, क्या इनको मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी, क्या वादे दावे हैं। ये कुछ सवाल हैं जो कि आज हम दुकानदारों से पूछेंगे, तो आइए हमारे साथ। मुझे बताइएगा कि ये दुकानें गिराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, दुकानें खाली करने की तैयारी हो रही है या फिर बार्गेन करने का बात? मैडम खाली तो हम नहीं करेंगे जब तक हमें कोई इस चीज़ का कोई मुतबादिल नहीं दिया जाता। बात यह है कि नाला जो है यहाँ से ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ये नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं, इसके ऊपर तो ये फ़ायदा है कि कम से कम लोग इसमें कचरा नहीं डाल रहे। दुकानें टूटने के बाद इसमें लोग कचरा डालेंगे, उसके बाद पानी का क्या निज़ाम होगा? सीधी सी बात है, जब तक गवर्नमेंट हमें कहीं मुतबादिल नहीं देती हम जगह छोड़कर नहीं जाएंगे। हम 30 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, या तो हमें मुतबादिल जगह दी जाए या इस जगह को आप तोड़ने के बाद सफाई कराएं फिर हमें बना के दें। जो मुआवजा होगा हम अपने पैसों से लगाएंगे, जगह आप हमें प्रोवाइड करें। हम पूरे रास्ते देखते हुए आए हैं, ओवरफ्लो नाला हो रहा था, यकीनी बात यह है कि सफाई नहीं हो रही है इसकी, तो ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी होती है आपकी नज़र में नाले की सफाई करवाना, या आप लोग चूँकि कारोबार यहाँ पर लेके बैठे हैं और अल्टीमेटली आपका कारोबार मुतासर होगा, तो आपने भी कोई इस मैकेनिज्म ऐसा बनाया है कि सफाई करवाई जाए? मैडम देखिए, पहले भी हमने कई दफ़ा इसकी सफाई कराई है, ऐसी बात नहीं है कि पहली दफ़ा हुई है। बात यह है कि अल्लाह वाली के ऊपर एक नाला बना रहे हैं, बड़ा नाला, तो वो पानी जो है ना उन्होंने इसके अंदर डाला। अब जाहिर बात है ये नाला एक छोटे पैमाने पर है, अल्लाह वाली है सरजानी यूसुफ गोट वगैरह के बहुत बड़ी एक आबादी है, वो पानी इन्होंने इसके अंदर डाला, डाइवर्ट करने के बाद यूँ ओवरफिल हुआ है। ये इतनी ब्लॉकेज नहीं है, ना कभी हुआ है, ये अल्लाह वाली का नाला इन्होंने इसके अंदर डाला है, इसकी वजह से ये ओवरफिल हुआ। सीधी सी बात है, हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ अपने आवाम के लिए कर सकती है, तो उनके दिल में तो कोई रहम नहीं है। रहा सुप्रीम कोर्ट का बाला हकाम है, कलम की ताकत है, वो जो चाहे जिसको चाहे जाओ झाड़ दे, लेकिन जितना भी जो मामला आते हैं वो गरीब के लिए हैं। कराची में ये जो नालों की मसाइल का सामना है ये हम ही को करना पड़ता है, आपको मुझको, मुश्किलात का सामना, हमारे घर के गटर भर जाते हैं, हमारी जो सेहत है, हमारी जो फिज़ा है वो मुतासर होती है। बेटा इसमें सिर्फ दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये हमारी पूरी कराची के आवाम का कसूर है। घर का कचरा हुआ वो डाल दिया, सोफे सेट हुए वो डाल दिए, पलंग हुए वो डाल दिए। अगर हुकूमत ने, अगर आपने जैसे सवाल किया कि मामला सेहत है, 10 दुकानें तोड़ें, बड़े 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 पाइप आते हैं वो डाल दें, जिसके अंदर मेरे हिसाब से अगर समंदर का पानी भी डाल दो वो भी पास हो जाएगा। लेकिन अगर बर्बाद करना है तो बेटा बर्बादों से ये देख लो आंखों में आंसू हैं। हमारी तो ज़मीन खिंच गई नीचे से, पाओगे नीचे से। दुकानें जब ख़त्म हो जाएंगी तो हम कहाँ जाके बैठेंगे, सारा काम जमा जमाया कारोबार है, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी तो तजावुजात पे बैठे ना। बिठाने वाले कौन थे? कौन थे जिन्होंने बनाई दुकानें? अब इसका ऑल्टरनेट तो हमें कोई देना चाहिए ना। सर ये बोला तोड़ा जाएगा तो हम कहाँ जाके बैठेंगे? मैम इसको मेरे 15 साल यहाँ बैठे हुए हो गए, उससे पहले की दुकानें ही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा इशू यहाँ पर देखें, मैंने मेंटेनेंस आज तक नहीं हुई यहाँ पर। मेरे को यहाँ जैसे सफाई की जगह है, यहाँ पूरे ब्लॉक बने में, लेकिन आज तक सफाई इसमें कुछ भी नहीं हुई है। अगर ये कोई इसका अल्टरनेट बनाते हैं, ये तोड़ना कोई इशू नहीं है इसका, लोग इतने बेरोजगार हो जाएंगे,
कितने लोगों की दुकानें ही हैं भैया, हम लोग क्या करेंगे? जहाँ से नाला चौक हो रहा है तो सफाई की जाए, ये दुकानें थोड़ा ना मसले का हल तो नहीं है ना मैम। ये केएमसी ने बना के दी थी दुकानें, पैसे लिए गए थे पहले जो लोगों से बनाई थी ना, कि भाई ये रोड पे दुकानें थी, सिंगल रोड था, ये डबल रोड किया गया, इसमें नाले पे दुकानें बना की उसको अल्टरनेट ये किया था, लेकिन अभी नाले चौक हो रहे हैं। सब जहाँ आप और मैं खड़े हैं यहाँ पर दुकान थी पहले जी, यहाँ पे दुकान थी, दुकान को पीछे करके नाले के ऊपर भी कर दिया, लेकिन नाला ये जो सिर्फ उसी जगह से चौक हो रहा है, आगे पीछे कहीं से चौक नहीं होता ये। देखिए हम तो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, अगर इस तरह करा जाएगा तो हमारे कारोबार सारे ख़राब होंगे। एक दो नहीं है, तकरीबन 1100 दुकानें हैं जो कि बहुत सारे ख़ानदान बनते हैं, तो अगर इस तरह हुकूमत पाकिस्तान अगर इस तरह करेगी हम लोगों के साथ तो ये गलत है। हाँ, अगर कहा जाए कि नाला ख़राब है तो नाले को सफाई की जा सकती है, हमारी अपनी एक यूनियन है जो काम कर रही है, तो इंशाल्लाह ताला हम अगर हो सका तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे अपने कारोबार को बचाने के लिए। पैसा तो नहीं है कि वो आएंगे और तोड़ेंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, हम खुद भी नहीं करने देंगे, लाजमी सी बात है हमारा कारोबार है और एकदम तो हम तोड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा हमें तोड़ के पीछे बनाया जा चुका है, तो दोबारा हम ऐसा नहीं करने। मैं यहाँ पर ये देखने के लिए आई थी कि क्या दुकानदारों ने अपना सामान रैप अप करना शुरू कर दिया है या फिर ये कोर्ट में जाना चाहते हैं उस हुक्मनामे को चैलेंज करने के लिए जो कि इन दुकानों को गिराने के लिए आया है। हमारे पास तो जो भी है टोटल कुछ यही है, हम यहाँ से क्या वाइंड अप करेंगे, अगर हो सकेगा तो अदालत तक भी जाएंगे, तो या हमें अभी तो कोई नोटिस वगैरह भी नहीं मिले, हमें टीवी पे खबरें मिल रही हैं कि जो है ये अथराइज है ये जाने का है, हालांकि हमने तो ये परचेज़ किए केएमसी ने हमें पूरे पेपर दिए हुए हैं, दुकानें हमने ख़रीदी हैं, हर चीज़ है हमारे पास, बैंक के चालान भी हैं। अच्छा, वो तमाम चीज़ें हैं आपके? जी, हमारे पास बैंक के 3 चालान हैं, केएमसी की रसीदें हैं, हमने गवर्नमेंट से परचेज़ किया, हमने यहाँ पर कब्ज़ा थोड़ी किया है। कि आपको लगता है हुकूमत का ये फैसला गलत? जी बिल्कुल गलत है, हुकूमत को ऐसा करना नहीं चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि यार हज़ारों गरीब आवाम है जो बेचारी मेहनत मुशक्क़त से काम करती है और हज़ारों लोगों को जो है ना एम्प्लॉयज़ यहाँ रखे हुए हैं, तो इसलिए उनका एहसास करना चाहिए और उनके साथ ऐसा बहरहाल नहीं करना चाहिए। तजावुजात पर दुकानें बनाना दुरुस्त है फिर? तजावुजात पर, लेकिन ये भी तो किसी ने पट्टी काट के दिए ना, जैसे किसी टाइम में यहाँ पे मुतहदा कौमी मूवमेंट होती थी, उन्होंने ये पट्टी चलाई और उनको यहाँ पे रखवाया, तो इसलिए अब उनसे बात की जाए जिन्होंने दुकानें बेची सेल आउट की, तो ऐसे वो तो मंजरनामे पर नहीं है। जी बिल्कुल, वो तो अब है ही नहीं, अब वो तो सेल आउट करके भाग गए अपना रास्ता अलग करके। रैंडम दुकानदारों से हम पूछ रहे हैं, कुछ बात कर लेते हैं, कुछ बात करने से इनकारी हो जाते हैं, एक और दुकान की जानिब चलते हैं और यहाँ पर दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन और सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा कि ये मार्केट और ये दुकानें मसमार कर दी जाएं, दुकानें भी हैं साथ साथ घर भी हैं, आपका यहाँ पर क्या स्टेक है, अपनी दुकान है, कितने साल से हैं? मैं तकरीबन भाई 21 साल से हूँ। मार्केट टूटने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है, उनका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये कहाँ जाएंगी 8-10 हज़ार अफराद मुलाजमीन, इनका क्या होगा? और अगर ये मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है अल्टरनेट कोई जगह दे रहे हैं तो फिर आप रैप अप कर देंगे बखुशी? फिर जाहिर सी बात है लोग जहन तो बनाएंगे ना, अब जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो फिर क्या कर सकता है इंसान। बेटा ये दुकान टूटने पर तो आ रही, फिर बाकी दुकानदारों का हमारे जैसों का हाल क्या होगा? हमारा तो हाल ये हो जाएगा, रोड पे आ जाएंगे। सिंधी होटल से लेके जितनी दुकानें छपी हुई हैं इनों के नीचे कचरा नहीं है, इसके जो बाद में ओपन दुकानें बनाई गई हैं तो वो जो कचरा है वो जाम कर रहा है। ये पुलियाँ जो 4-5 पुलियाँ हैं इनको तोड़ के इनको साफ किया जाए। अंकल अपनी मदद आपके तहत मार्केट ने दुकानदारों ने कभी नहीं सोचा कि नाले की सफाई करवा? नहीं ये बात नहीं है, अभी तकरीबन 1 साल पहले जब बारिश हुई तो इन्होंने पैसे चंदा किया था, जबकि ये पैंप लगे हुए हैं इसके अंदर, अभी इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये जमा किए हैं फी दुकान से, तो नाला साफ कराएंगे। जो नाले खुले हैं खुले पड़े हुए हैं उनको तो साफ कराओ। पूरी मार्केट खौफ में बैठी हुई है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और सबका दारोमदार इन्हीं के कारोबार से ही हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा। ये हुक्मनामा गलत है? आपकी बात बजाय के गैर कानूनी है, खाली गैर कानूनी खाली यही मार्केट तो नहीं है ना, अल्लाह वाली से एक नाले को टच किया गया है, आगे जाकर मदीना कॉलोनी की तरफ से ठीक ठाक पानी निकल रहा है, और इसके अंदर वो हमारी गलती है तो नहीं है ना, वो हुकूमत की तरफ से ही वहाँ काम शुरू किया गया है और वहाँ से उन्होंने पानी का सेटअप जो है वो निकलना शुरू हो गया, अब वो कह रहे हैं कि हम मार्केट गिराएंगे। अल्टरनेट इसका दे दिया जाए, मुतबादिल आपको जगह दे दी जाए तो फिर मुतमईन हो जाएंगे? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या होते हुए दिखाई दे रहा है? ये होता हुआ ये दिखा रहा है कि हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा, लूटमारी डकैतियाँ फिर शुरू हो जाएंगी। मेन जो है मसला है अल्लाह वाली से, इससे पहले कभी पानी नहीं आया यहाँ पे। कितने अरसे से मसला हुआ? 1-1.5 महीना हो गया इसको पानी को आते हुए।
अच्छा, एक से डेढ़ महीना हुआ ये मसला हुआ और इसी दरमियान हुक्म भी आ गया? इसी दरमियान हुक्म भी आया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक दफ़ा आया था लेकिन वो मसला हो गया, बोले कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अच्छा, वो जो आप अल्लाह वाला नाले की तरफ जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर कितना टाइम पहले उस नाले को जम किया गया? ये तकरीबन जो है 2 महीने हो गए उसको बंद पड़े हुए नाले को, वो सारा पानी यहीं पर ही छोड़ा गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी डाल दिया इधर पे तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। सर, मसला तजावुजात का है, इस नाले का है, या इन दोनों को इस्तेमाल करके लोगों के साथ नाजायज़ किया जा रहा है? ये देखें, ये पट्टी जो है ये आज की नहीं है, ये 88 की पट्टियाँ आई है, वो 98 में तामीर हुई थी, ये 88 के अंदर तामीर हुई थी। लेकिन कभी भी यहाँ पर ओवरफ्लो का मसला नहीं आया, लेकिन बरसात के अंदर तो पानी आता था। लेकिन उसके अलावा अभी जो ये प्रॉब्लम है वो अल्लाह वाली के ऊपर एक नाला मतलब तामीर हो रहा है, उसकी वजह से जो है वहाँ से जो है पानी जो छोड़ा गया है वो यहाँ पे रोड के ऊपर आया हुआ है, ये इस नाले का पानी नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दुकानदारों को, बेचारे बहुत सारे दुकानदार दुकानें खाली करके चले गए। हमने देखी बहुत सारी दुकानें बंद है, खाली हो गई है, और पानी आने की वजह से बस खोलते तो उनका कारोबार नहीं होता। हम मसले के हल और जड़ तक पहुँचने के लिए नाले का ताकुब करते हुए इस जगह तक पहुँचे हैं जहाँ पर दो नाले जम किए जा रहे हैं। ये वो नाला है जो कि सुरजानी की जानिब से आ रहा है, यूसुफ गोट का नाला इसमें शामिल है, जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, और इस नाले को जम कर दिया गया है न्यू कराची के नाले में। चूँकि वो नाला बहुत सालों से एक तो सफाई नहीं हुई और दूसरा ओवरफ्लो होने लगा, रोड्स भरने लगे, ये मैकेनिज़म पहले बनना चाहिए था, ये सोचना पहले चाहिए था हुकूमत को कि दो बड़े नालों को हम शामिल करने जा रहे हैं, कि क्या वो दो नाले मिलकर लोगों की जो मसाइल हैं उनमें इजाफा करने जा रहे हैं या उनको कम करेंगे। इस हुक्मनामे के बाद हमें मसाइल में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। इन तमाम दुकानदारों के जो सदन हैं उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बहुत सारे दुकानदारों से हमने बात की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़ुज़ात रखते हैं और इन दुकानों के टूटने के हवाले से जो हुक्मनामा आया है कहते हैं कि हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे, और अगर उठाने जा रहे हैं तो क्या तैयारी है? जिस तरीके से ये अभी जो जितने भी दुकानें तकरीबन ये बन रही हैं 1100 से 1200 तक की दुकानें बन रही हैं, ये दुकान तोड़ने का मतलब ये है कि तकरीबन 11,000 खानदान को ख़त्म करना, क्योंकि हर एक खानदान में 10 अफराद से भी आप अगर लगाऊँ तो 11,000 खानदान, ये चोरी डकैती ये मामला क्राइम के हवाले से ये बढ़ जाएंगे। चलें हम मानते हैं कि हाई कोर्ट का हुक्म है या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तोड़ दें, लेकिन कम से कम इसका अल्टरनेट तो मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई फ्री में जिसका दिल किया उसने अपना दीवार उठाई और बैठ गया, ऐसा तो नहीं है ना। दुकानदारों ने बताया कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि जब उन्होंने रकम दी थी इसके अवेज़ 2 के ये तजावुजात ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने रकम देकर ये जगह हासिल की थी और यकीनी तौर पर इसमें हुकूमत मुलव्वज़ थी देने में। बिल्कुल मैम, यहाँ पे सबके ट्रेड लाइसेंस बने हुए हैं, मार्केट कमेटी से रजिस्टर्ड हैं, और ये जितने भी मुतालिका लोकल गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं वो सब पेड करते हैं वो। मुझे बताएं कि इस पूरी सारी सूरत हाल में आप किसको मुखातिब करके इस मामले को इस तरह से हल किया जा सकता है का मशवरा दें? ये तो मैंने, ये तो सियासी जमातों को खुद को सोचना चाहिए कि अगर हम ताजिर खड़े हुए तो ये कराची खराब है, अगर कराची खराब है तो ये पाकिस्तान खराब है, जब हम ही नहीं होंगे तो फिर ये कहाँ जाएगा। मेरी फिर भी नज़रें ख्वाजा इज़हारुल हसन के पड़ी हैं, क्योंकि वो भी आज भी है ना हमारे MP हैं। रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं उनसे, कुछ नज़रसानी करें और हमारी आवाज़ बने, हमारे साथ करें। जो नए मियाँ रहेंगे तो देखें, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो भी हमारी आवाज़ बने और हमें इंसाफ दिलाया जाए। जिस मार्केट के दुकानदार बहुत बेयारो मददगार हैं, उस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि दुकानदार ये समझ रहे हैं कि हम अदालत का रास्ता शायद अख्तियार करने वाले हैं, हम फाइट करेंगे अपने हुकूक के लिए, जंग लड़ेंगे। दुरुस्त है कि जिनका मुकम्मल असासा ही उनके दुकान है, उनका कारोबार है, उसको जाने नहीं दे सकते, लेकिन क्या ये जो दूसरा रास्ता वो सोच रहे हैं ये खाम ख्याली है या इसके हवाले से प्लानिंग भी? जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपके चैनल का भी कि इस हवाले से आपने प्रोग्राम रखा और आपकी टीम मार्केट का विज़िट कर रही है और दुकानदारों का और यहाँ की यूनियन का मौक़ जानने की कोशिश कर रही है। मेरा सवाल इदारों से सिर्फ यही है कि जिस वक्त ये दुकानें तामीर हो रही थी क्या उस वक्त लॉ मौजूद नहीं था या इदारे उस वक्त हरकत में नहीं थे? यकीनन उस वक्त भी जो है वो इदारे हरकत में थे और मौजूद थे, अपने हिस्से का काम कर रहे थे, उनकी मौजूदगी के अंदर अगर ये तजावजात कायम हो गई है तो ये भी इदारों के लिए एक सवालिया निशान है। अच्छा, बिजली तो अब ये गिरा दी गई है दुकानदारों के सरों पर, इससे निकलने का, इससे बचने का क्या रास्ता आपने सोचा है? कोशिश कर रहे हैं हम कि गवर्नर साहब तक अप्रोच करें और वजीर आला को अप्रोच करें, उनसे मुलाकात करें अस खुद, जबकि किसी की तरफ से कोई रब्ता हमसे नहीं किया गया है।
हम खुद इनसे अप्रोच करके इनसे बात करेंगे और अपना इसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारी जो है वो हाल ही के अंदर जो है वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी मुलाकात हुई थी और उनके सामने भी हमने ये तमाम चीज़ें रखी थी कि इसी तरह जो है मीडिया के ऊपर ये खबर जो है सुनने को मिली है कि दुकानें मसमार की जा रही हैं। उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो रिस्पांस किया और हमारे साथ ताउन की यकीन दहानी भी कराई है कि बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं और अल्टरनेट और मुआवजा की भी तरकीब बनने की कोशिश करेंगे कि इस काम को रोका जाए। कारोबार तकरीबन ना होने के बराबर ही है, जो तरह की हालात हैं, ना आने जाने का रास्ता ही नहीं है तो कारोबार तो चलना तकरीबन नामुमकिन है। समझे, हम बस अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, पूरी बस अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। अब ये जो हालात हैं, शायद इनको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने तजावुजात पर बनाई गई दुकानें गिराने का हुक्मनामा दे दिया है, क्या मामला आते हैं? देखिए, ये नाला जो है ये बरसाती नाला है, ये जो दुकानें हैं ये उस वक्त की हुकूमत ने ही बना के दी थी। अगर उनको पता था कि ये वाली दुकानें तोड़नी है तो उनको इस वाली दुकान, इस नाले के ऊपर दुकानें बना के ही नहीं देनी चाहिए थी। लोगों ने इस दुकानों पर कब्जा नहीं किया, उस वक्त की केएमसी ने इन दुकानें लोगों को दे के उनसे पैसे वसूल करके बनाकर उनको दी थी। ये नाला बरसाती नाला है, इसमें बारिश का पानी जज्ब होना चाहिए, ना कि सीवरेज की लाइनें डाली जानी चाहिए। अल्लाह वाली से जो नाले की तमीर हो रही है, जो सीवरेज की लाइन बंद है, उन्होंने सारी की सारी इस नाले में कन्वर्ट करवा दी है, जो कि नाला ऑलरेडी चौक है। 500 रुपये का चंदा जमा करके जगह जगह की ब्लॉकेज ख़त्म करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ब्लॉकेज है। ये काम हमारा नहीं है, ये काम इंतजामिया का है कि वह ब्लॉकेज ख़त्म करवा के नाले को चलाएँ। मेरे अकब में जो आप ये नाला देख रहे हैं, यह है यूसुफ गोट का, इसमें पूरा सुरजानी टाउन शामिल है। इस नाले को जम कर दिया गया है न्यू कराची के नाले में। क्या न्यू कराची के नाले में इसको जम करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए था कि उसका फ्लो कितना है, उसकी बर्दाश्त कितनी है, क्या उसकी सफाई हो गई है या नहीं? सालों से हमने ये देखा दुकानदारों से बात करने के बाद कि उसकी सफाई तो नहीं हुई है, लेकिन उसको जम कर दिया गया और अब उसके बायस वो वहाँ पर जो 1100 दुकानें कायम हैं उनको मसमार करने का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है। क्या इस फैसले को जारी करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए था कि उन 1100 दुकानदारों का क्या होगा? और सिर्फ वो 1100 दुकानें नहीं हैं बल्कि 1100 खानदान हैं। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम इख्तिताम हो जाता है, लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि उन 1100 खानदानों के बारे में कौन सोचेगा? आप अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत की इस पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, हमारे प्रोग्राम को डी चौक और डी पब्लिक को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।